अब बात करेंगे तेंदुए की दहशत के बारे में। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक हर तरफ तेंदुए की दहशत दिखाई दे रही है और अब हिमाचल प्रदेश में भी एक तेंदुए ने कोहराम मचा दिया। वो दिन दहाड़े गांव में घुस आया, जिसके बाद वो गांव वालों का सांस ही अटक गई। रिपोर्ट देखिए। इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हिमाचल प्रदेश के मंडी के गांव में तेंदुआ घुस आया, लेकिन उसने नहीं सोचा होगा कि उसका ऐसा हश्र होने वाला है। सुंदरनगर के महादेव इलाके में सोमवार को दिन दहाड़े तेंदुआ दाखिल होता है। सुबह सुबह की एक घटना है। कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनकर यहां रहने वाले लोग अपने घरों से निकल आए। सामने जो मंजर देखा उससे हर कोई अचंभित था। कुत्तों का झुंड खेतों में तेंदुए को भगा रहा था और तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कहा जा रहा है कि पहले तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा हुआ था और जैसे ही वो नीचे उतरा, कुत्तों का झुंड उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। तेंदुए को देखकर ग्रामीण जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मेरे को सुबह फोन आया, मेरे भाई मासी के लड़का गुरुदेव जी ने मेरे को बताया कि हमारे पड़ोस में एक तेंदुआ आया हुआ है। तो मैं मेरा मस्जिद में था, वहाँ से मैं मोटरसाइकिल लेके यहाँ पहुँचा। यहाँ पुलिस, ये क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस के डिपार्टमेंट के आदमी भी थे। तेंदुआ अपने बाथरूम में चला गया था। उसके बाद मैं खुद गया और मैंने उसको अंदर देखा कि एक तेंदुआ है, और उसके बाद मैंने उसको लॉक कर दिया और उसके बाद फॉरेस्ट वालों ने कार्रवाई की। वी गॉट द इन्फॉर्मेशन, सुबह में कोई 8:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई तेंदुआ है, दैट इज़ मतलब घरों के बीच में है और पेड़ के ऊपर है। तो इमीडिएटली हमने स्टाफ को फ़ोन किया एंड दे इमीडिएटली रश टू द स्पॉट। और हमारे कुलीग हैं जो DFO वाइल्ड लाइफ हैं, इनको भी मैंने, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो मैंने इनका भी, ही वॉज, क्योंकि इनकी भी वाइल्ड लाइफ रेंज पड़ती है यहाँ, तो ये बाई चांस ही यहाँ थे। तो हम दोनों ने फिर एक टीम बना के, हमने जो हमारे साथ वेटनरी ने, उनको हमने इंक्लूड किया साथ में, और साथ में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ के प्रधान है, स्थानीय जनता है और जो स्थानीय प्रशासन है, साथ में पुलिस है, उसकी हमने सहायता लेने की कोशिश की है। ग्रामीणों ने बिना देर के वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद शुरू हुआ तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शाम करीब 4 बजे तेंदुए को बेहोश करके उस पर काबू पाया गया। वेटरनरी विभाग की टीम के सदस्यों ने ड्रिल के जरिए लोहे के दरवाजे पर छेद किए और तेंदुए को ट्रंकुलाइज किया। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे पिंजरे में बंद किया। हमारे लिए जो था, आदमी भी की सेफ्टी भी जरूरी है और एनिमल की सेफ्टी भी जरूरी है। और एनिमल कोई 2 घंटे के बाद इट केम डाउन फ्रॉम द ट्री और ये आया, और यहाँ क्योंकि इसके पीछे डॉग्स जो थे वो रन कर रहे थे, तो ये गलती से कहीं बाथरूम में चला गया। देन दी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्टेड एंड सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ एवरीवन, दी माय कोलीग DFO राजेश शर्मा जी, दी लोकल प्रधान और स्थानीय जनता, पुलिस और आप सबकी सहायता से हमने जो इस जो हमारा ऑपरेशन था, इसको हमने सक्सेसफुली जो है वो हैंडल कर लिया है। तो इस तरह तेंदुए ने 8 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन तब तक ग्रामीण सहमे रहे। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग और वेटनरी विभाग की टीम का आभार जताया। बाद में तेंदुए को उपचार केंद्र ले जाया गया। वहीं बहराइच में भी एक तेंदुए ने लोगों में खौफ भर दिया। धनावा इलाके की ये घटना है। तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया और वो गांव के ही एक पेड़ पर चढ़ गया। नीचे लोगों की भीड़ भी पहुंच गई। सभी लोग अपने मोबाइल फोन पर तेंदुए का वीडियो बनाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।